पॉर्न स्टार और बॉलीवुड में अपने हॉट एंड बोल्ड अभिनय से आए दिन विवादों में रहने वाली सनी लियोनी ने ये कहकर तहलका मचा दिया कि इंडिया के सारे मर्द उनके दीवाने हैं और छिप छिप कर उनकी पॉर्न फिल्में देखते हैं। उनका ये कहना है कि वो सभी उनके पास आना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं, पर अपने घर वालों से और अपनी बीवियों से डर कर दूर रहते हैं। वैसे बॉलीवुड ने उनको अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं दी जिसमें उनकी कलाकारी दिखाई दे। अभी तक तो सबने उनके जिस्म को सबसे ज्यादा देखा है, उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं, फिर भी हमारी अंदर की सेक्स देखने की चाहत हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है। तभी तो इंटरनेट पर वो अभी भी सबसे ज्यादा सर्च की जाती हैं। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस सनी लियोनी के बॉलीवुड फिल्मों के वो बोल्ड सीन्स जिनकी वजह से वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई थी। वहीं इस लिस्ट में सनी लियोनी की पहली फिल्म का नाम है जिस्म 2। साल 2012 में आई फिल्म जिस्म 2 का निर्देशन पूजा भट्ट ने किया था। इस फिल्म में सनी लियोनी रणदीप हुड्डा के साथ कई बोल्ड सीन्स किए थे। इस फिल्म को लेकर सनी पहली बार विवादों में नजर आई थी। अगली फिल्म का नाम है फिल्म जैकपॉट। सनी लियोनी की ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी लियोनी ने सचिन जोशी के साथ ऐसे बोल्ड सीन दिए थे जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई थी। इसी के साथ विवादों में घिरी हुई भी नजर आई थी। अगली फिल्म का नाम है रागिनी MMS 2। रागिनी MMS 2 साल 2014 में रिलीज की गई थी। ये फिल्म साल 2011 में आई फिल्म रागिनी MMS का सीक्वल था। इस फिल्म में सनी मुख्य किरदार में थी, इसमें भी उनका बोल्ड अंदाज देखने को मिला था। अगली फिल्म का नाम है एक पहली लीला। एक्ट्रेस सनी लियोनी की ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका बोल्ड लुक और अंदाज काफी चर्चा में रहा था और इस फिल्म के बाद वो सुर्खियां बटोरती नजर आई थी। अगली फिल्म का नाम है वन नाइट स्टैंड। इस फिल्म में भी सनी के बोल्ड सीन्स दिए गए थे। ये फिल्म काफी ज्यादा बोल्ड थी जिसकी वजह से सनी लियोनी रातों रात सुर्खियों में काफी छई रही थी। इसी के साथ सनी लियोनी को बहुत सी कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा था।